अद्य सोमवासर अथवा हिंदुवासर मार्च कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 चरक इंद्रिय स्थानाध्याय 11। शंखं चक्रं जल कांदतमृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबोधोज्ज्वलांगं कटितट विलसत् चारुपीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिंदन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणोहितमारब्धाम् आत्मनिवासम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां आयुर्वेदरतं वंदे माघवाख्यं महागुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नु प्र
अभी को अभी सभी को दिखाई दे रहा है या फिर आवाज भी मेरी आ रही है बीच में, मालूम नहीं है, चला जाता है। लेकिन इसके पहले मैंने जो बोला वो सब चला गया क्या? वो आया ही नहीं सामने आपके? ये फिर से कनेक्ट हो गया, बीच में कनेक्शन टूट गया इस प्रकार से। अच्छा, नहीं आया। अच्छा भाई, ये तो जो वैद्य औषध पान अन्न गुरु मित्र इनका द्वेष करते हैं, मुझ छोटा माइक का। लेकिन ये शायद इसमें से निकल ही गया था, धूम से मीटिंग से आउट हो गया था। तो ये सभी यम के अधीन हो गए हैं ऐसा समझ लेना है। तो इसमें रोग बढ़ता जाता है और औषध परास्त हो जाता है। तो इनका अंदर भी नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है इस प्रकार से। पादा समेता चत्वा रहा संपन्ना साधक ही गुणे ही व्यर्था गता यशो द्रव्य विना नास्ति गुणोदय। ये चार साधक गुण से संपन्न इस प्रकार के पाद इकट्ठा हुए है तो भी, चार पाद इकट्ठा हुए है तो भी गतायु अगर है, आयुष उसका शेष है ही नहीं। तो जो व्यर्थ है, द्रव्य विनाश नास्ति गुणोदय, या ऐसा समझ लेना है कि द्रव्य नहीं हुआ है गुणोदय हो गया है, फिर द्रव्य के बिना ही गुणोदय हो गया है इस प्रकार से। तो उस प्रकार से ये चार पाद संपन्न होने के बावजूद भी गतायु व्यक्ति के लिए कुछ फायदा उसका नहीं, व्यर्थ है। परीक्षम आयुर्विशेषा निरुजस्य से आतुरस्य आयुर्ज्ञान फलम पुरुषम आयुर्ज्ञेय अनुवर्तते। तो वैद्य को निरुज और आतुर दोनों का ही आयुष का परीक्षण करना है, और आयुर्ज्ञ जो व्यक्ति है वही आयुर्ज्ञान का पूरा फल जानता है, तो वही ठीक इस प्रकार का रहेगा। तत्र श्लोका कृत क्रियापथम अतिक्रांता केवलम देहमाप्लुता चिन्हम कुरुवन्ति यद् दोषात् तदृष्टं दृश्यते। जो क्रियापद से पर इस प्रकार के हो गए हैं उनको छोड़कर आगे चले निकल गए हैं और पूरे शरीर में फैले हुए हैं, ये दोष जो लिंग करते हैं, जो लक्षण बनाते हैं उसको अरिष्ट कहते हैं। तो ये मृत्यु सूचक इस प्रकार के लक्षण है और भली भांति हमें उनको समझ लेना है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति इंद्रिय स्थाने अणु ज्योति इंद्रिय नाम एकादश अध्याय। तो ये 11वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ, द्वादश अध्याय अथा था गोमय चूर्णीय इंद्रिय व्याख्यास्यामः इतिहास महा भगवान आत्रेय। तो अभी गोमय चूर्णीय नाम का इंद्रिय, गोमय चूर्णीय चूर्णीय नाम का इंद्रिय अध्याय आखिर वाला ये बताते। यस्य गोमय चूर्णाभम चूर्णम बोधनी जायते तत्स्नेहं भ्रश्यते चैव मासांतं तस्य जीवितम्। तो गोमय चूर्ण ऐसा चूर्ण जिसके सर में निर्माण होता है और स्नेह लगाने पर वो निकल जाता है, उसका जीवित एक मास तक ही है ऐसा समझ लेना है। निकषन्नेव यः पादौ चितांसा परिधावति विवृत्या न च लोके अस्मिन् चिरं वसति मानवः। तो पांव को खींचते हुए इस प्रकार का चितांस अवसर संधि जिसके गिरे हुए इस प्रकार के है, इस प्रकार के जो धावता है दौड़ता है, विकृत्या न च लोके अस्मिन् चिरं, ये कुछले पेशेंट अस्ति गोमय, देखा तो नहीं है मैंने भी।
लेकिन ऐसा हो सकता है, इतना ही समझना चाहिए। और विकृति से ये दौड़ता है तो ये ज्यादा देर तक इस लोक में नहीं रहेगा। यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वं शुष्यति रोभृशं आर्द्रेषु गन्धर्वगात्रेषु शोधमासं न जीवति। तो स्नान और अनुलेपन करने के बाद पहले उरस्तान जो है वो सूख जाता है भूषम, और बाकी सभी गात्र आर्द्र इस प्रकार से रहते हैं, तो अर्धमासी वो जीवित इस प्रकार का रहता है। तो ये स्वस्थावस्था में आतुरावस्था में दोनों में पॉसिबल इस प्रकार का है। लेकिन स्नान बताया गया है और पहले उरस्थान जो है वो सूख जाता है इस प्रकार का बताया गया है, तो ये थोड़ा अलग ही है। यमुद्दिश्य आतुरम वैद्या संवर्तयितुम औषधम यतमानो न शक्नोति दुर्लभम प्रतिशीलम। जिस रोगी के लिए औषध इकट्ठा करने की या उसकी योजना करने की कोई वैद्य विचार करता है, यतमानो न शक्नोति, और कोशिश करने के बावजूद भी वो प्राप्त नहीं होता, दुर्लभम तस्य जीवितम, तो उसका जीवित दुर्लभ इस प्रकार का है। तो जो आसानी से मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और फिर ये अरिष्ट लक्षण है कि वो मरने वाला है। विज्ञातम बहुशः सिद्धम विधिवत चावचारितम न सिद्ध के औषधम यस्य नास्ति चिकित्सितम। कि जो मालूम है उसके लिए ये दवा है, बहुशः सिद्धम अनेक बार सिद्ध हुआ है, विधिवत चावचारितम और विधिवत दिया गया इस प्रकार का औषध न सिद्ध्यति औषधम, ये अगर सिद्ध नहीं होता है दुर्लभं तस्य जीवितं न चिकित्सकम्, तो उसकी चिकित्सा इस प्रकार की नहीं है। तो पहले केस में औषध मालूम है लेकिन सामने होकर भी दिख नहीं रहा इस प्रकार से, यतमानो न शक्नोति। कुलटकर सर ने इसके बारे में एक उदाहरण बताया था कि ऐसे परिचित रुग्ण था और उसके लिए ये दवा अच्छी है ये उन्होंने उन्हें मालूम था, तो वो ढूंढ रहे थे, वो सामने ही थी लेकिन दिख नहीं रही थी, तो दूसरी कोई दवा दी दी, लेकिन उसी समय मेरे सर के मन में आया कि ये तो दवा यहीं पे होती थी और मुझे दिख नहीं रही है, तो अरिष्ट लक्षण है, और उसी प्रकार का हुआ, 2-3 दिन में उसकी मौत हो गई। और जो मालूम है दी गई है दवा फिर भी उससे फायदा नहीं हो रहा तो उसकी चिकित्सा नहीं है। आहार मुपयुञ्जानो भिषजा सुपकल्पितम जब फलम तस्य नाप्नोति दुर्लभम तस्य जीवितम। तो सुपकल्पित इस प्रकार का हो सकता है कि जिसकी अच्छे तरीके से योजना की गई है इस प्रकार का आहार सेवन करने वाला वैद्य के द्वारा, यह फलम तस्य न प्राप्त नाप्नोति, जिसको उसका फल नहीं मिलता है, तो आहार का फल बल वर्ण वगैरह उत्साह ये सब निर्माण होना ये होना चाहिए, पर नहीं मिल रहा है तो दुर्लभं तस्य जीवितम, तो उसका जीवित दुर्लभ इस प्रकार का है। दूताधिकारे वक्षामो लक्षणानि मुमूर्षुताम यानि दृष्टा पिशक प्राज्ञा प्रत्याख्याया असंशय असंयम। तो दूताधिकार में जो मुमूर्षु गुण है उनके बारे में ये लक्षण देखकर असंयम प्रत्याख्याया, संयम क्यों बताया है मालूम नहीं, संशयम होना ठीक रहेगा। संयम मुक्तकेशे अथवा नग्ने रुदति अप्रयते अथवा भिषक् अभ्यागतम दृष्ट्वा दूतम वर्णम आदिशति।
ये सभी के जो विशेषण है, किसके विशेषण है? सुप्त विश्व जी आगे के श्लोक में जो है उसके आधार पर वैद्य उस प्रकार का मुक्त केश नग्न रो रहा है, अप्रयत है, और उस समय में अगर दूत आया तो दृष्ट्वा मरण मातिशेत पर मरण होने वाला है, ये समझ लेना चाहिए। सुप्ते विश्व जी ये दूता छिंदन त्य छिंद त्यपिंदती अपिच भिंदती आगच्छन्ति विषक तेषां न भर्तारम अनुव्रजेत। वैद्य सोया हुआ है या कुछ छेदन कर रहा है, भेदन कर रहा है इस प्रकार का, तो उस समय अगर दूत आता है न तेष न भर्तारम अनुव्रजेत, तो उस समय उसका जो भर्ता है जिसने दूत भेजा है उसके पास नहीं जाए इस प्रकार से। जुवत अग्निम तथा पिंडान पितृभ्य निर्वत निर्वपत्यपि दुवैद्ये दूता ये आगच्छन्ति ते गहन्ति तृजिघां सवा। अगर अग्नि में आहुति दे रहा है, पितृ पितरों को पिंड दे रहा है या निर्वपन कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति में वैद्य अगर है और उस समय में दूत आ जाता है तो वे नाश कर देते हैं तृजिघां सवा, मारने की इच्छा करने वाले वो इस प्रकार है। दूताश्चेदेपि रोगी हितम इच्छन्ति न प्रजिघांसि पुनः तृजिघांसवश्च भवन्ति। दूत वास्तव में रोगी का हित ही चाहते हैं, रोगी को मारने का विचार नहीं करते हैं। न च स्वभाव दूता प्रजिघांसवादन्ति तथापि आतुरस्य विनाशो भवति तथा दैवप्रेरितास्तम आगच्छन्तो दूता प्रजिघांसवा इव तथा घनंती एवं इति कृत्वा प्रजिघां स्वभाव घनत्वी इत्युच्यन्ते। ये दूत उसको मारने वाले हैं इस प्रकार की भाषा की जाती है, वास्तव में इसका कोई वैसे संबंध नहीं है। कथयति अप्रशस्तानि चिंतयति अथवा पुनः वैद्य दूता मनुष्याणाम आगच्छन्ति मुमुक्षुताम। अप्रशस्त बातें कह रहे हैं, चिंता में है इस प्रकार के वैद्य अगर है और दूता उस समय में आ जाते हैं तो वो मरने वाला है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। मृतदग्ध विनष्टानि भजति व्याहरत्यपि अप्रशस्तानि चांद्यानि वैद्य दूता मुमुक्षुताम। सभी वैद्य के विशेषण किए गए, अजीब है थोड़ा सा। मृत दग्ध विनष्ट इस प्रकार के चीजों को सेवन कर रहा है, व्याहरते उनके बारे में बोल रहा है, अप्रशस्तानि चान्यानि दूसरे अप्रशस्त बातें बोल रहा है, इस प्रकार की स्थिति में अगर दूत आते हैं वो मरने वाला है, ऐसा समझना चाहिए, रोगी मरने वाला है। विकार सामान्य गुणे देशे काले अथवा भिषक दूतम अभ्यागतम दृष्टवान मात्र उपाचर। तो विकार सामान्य गुण इस प्रकार का देश अथवा काल अनुपदेश है, कफज विकार है वगैरह वगैरह इस प्रकार का, या उस प्रकार का काल है वसंत ऋतु वगैरह इस प्रकार का, तो उस समय में अगर दूत आता है तो उसके उसका उपचार नहीं करना है। दीन भीत द्रुत त्रस्त मलिनाम अततीम स्त्रियम त्रीन व्याकृतियों से षंडांश्च दूतान विद्यान मुमूर्षुता। तो दीन भीत द्रुत त्रस्त मलिन अततीम स्त्रियम त्रीन
व्याकृतींश षंडांश्च, ये सब दूतों के विशेषण है। त्रि संख्या एव दूता प्रशस्ता षंडा नपुंसका। दीन भीत द्रुत त्रस्त मलिन असत्य, इस प्रकार की स्त्री दूतारी है, इस प्रकार का असती। हाँ, इट द टाइम ऑफ आवर स्पेस हैव सम इंटेलेक्ट एंड इट इज इंडिकेटेड थ्रू दीज अरिष्ट लक्षणा, एल्स हाउ टू कनेक्ट एनी लॉजिक विथ सच अरिष्ट लक्षण एज देयर थिंग्स एज दिस थिंग्स मे बी हैपनिंग इन रूटीन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस टाइम इट इज अरिष्ट लक्षण आर नॉट, वाई दे शुड हैव सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज इन टाइम एंड स्पेस। ये केवल देश और काल के जुड़े, इस प्रकार के देश और काल ये वास्तव में रिष्ट लक्षणात्मक है, ऐसा नहीं है। रिष्ट लक्षण इनसे जुड़े हुए हैं और असती शालीन नस्लीन। हाँ, वही मैं सोच रहा था, असती का अर्थ क्या हो सकता है। सती ये विधवा के बारे में बताया जाता है, सती जाने के लिए जो तैयार है, इस प्रकार से असती। एक बार गिरवाण लघु कोश में देखेंगे असती का कोई अलग मीनिंग इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं कि ये रिष्ट लक्षणात्मक जब बातें बताते हैं तो इसमें ये समझ लेना जरूरी है कि देश काल से जुड़े इस प्रकार के अगर रिष्ट लक्षण है तो इसलिए देश और काल का वर्णन किया गया है, लेकिन वास्तव में वो रिश्त नहीं है, रिश्ते उनके साथ में है, ऐसा समझ लेना जरूरी होगा। विकार सामान्य गुणे देशे काले अथवा बेशक, तो विकारों से सामान्य गुण अगर देश और काल है तो वो काल का महिमा नहीं है, ये इस प्रकार से कफ दोष है और या अनुगुण है, तो अच्छा नहीं है, इतना ही समझ लेना जरूरी होगा। तो तीन आते हैं, व्याकृतिंश्च षंडांश्च, व्याकृति और षंडांश, विकृत आकृति इस प्रकार की जिसकी हो, और षंड नपुंसक, ये दूत आए हो तो ये रोगी जीने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। अंगव्यसनिनम व्यसनिनम दूतम लिंगिनम व्याधितम तथा संप्रेक्ष्य चोगर कर्माणम न वैद्यो गंतुम अर्हति। तो अंगव्यसनी कुछ विकृतियां इस प्रकार से, लिंगिनम व्याधितम तथा, खुद व्याधित है, लिंगिन है, लक्षणों से युक्त है, छिन्न अंग व्यसनी छिन्न नासादि उग्रकम्म मारणादि अकार्य प्रवृत्ता पलाल इत्यादि तृण काष्ठादि
परिस्पृशो दूता, इसका तो क्या नहीं कुछ। लिंगिनम यानी कि लिंग वाला, लक्षण वाला, दो दृष्ट लक्षणों से युक्त, और व्याधितं तथा, खुद व्याधित है इस प्रकार का। अंग व्यसन अंग विकृत चिन्ह नासादि इस प्रकार का है। और उपक्रमा है तो उसको देख के वैद्य को जाना नहीं है इस प्रकार से, न वैद्य गंतुमर्हति। आतुरार्थम अनुप्राप्तम खरोष्ट्र रथ वाहनम दूतम दृष्टा दिशक विद्या आतुरस्य पराभव। तो आतुर के लिए खर उष्ट्र रथ वाहन ये प्राप्त हो जाता है दूत के लिए। तो विषक विद्या तातुरस्य पराभव, तातुर का पराभव हो गया है इस प्रकार से समझे। लेकिन रथ वाहन भी इसमें ख ख खर उष्ट रथ वाहन इस प्रकार का, तो रासभ या गर्दभ खर और उष्ट ये शायद राजस्थान वगैरह में ही होगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। अश्ववाहन या वृषवाहन, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी अगर है, रथ है, तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। अभी के जमाने में ऑटो रिक्शा से लेके जाएंगे, स्कूटर पर चलोगे, या फिर कार लेके आए हैं, ये अंतर होना आवश्यक होगा। और फिर एक तो ये उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, और उसके आधार पर भी आढ्य रोगी विषक वश या आढ्य होना है वो नहीं है तो फिर चांसेस कम रहे इस प्रकार से। पलाल भुस मांसास्ति केशलोम नख द्विजां मार्जनी मृतुलम शूर्पम उपानत चर्म विच्युतम तृण काष्ठ तुगा तुषांगारम कृशं तो दोष्ठम अश्मच तत्पूर्व दर्शने दूता व्याहरंती मुमूर्षताम। तो ये सभी बातें ये मरने वाला है ये सूचित करने वाली इस प्रकार की होती है। पलाल भुस मांस अस्थि केश लोम नख द्विज मार्जनी तेरसवीं मुशलम शूर्पम उपानत यानी कि पादत्राण चर्म हाँ विच्युतम छूट गया है इस प्रकार से। मार्जनी सूप मुसलानी उपानद भग्न विच्युते की पाठ, ये भग्न और विच्युत इस प्रकार के है तो भी तृण काष्ठ तुष अंगार इनको स्पर्श करने वाले, लोष्ट या आश्म को स्पर्श करने वाले इस प्रकार के दूत आते हैं तो ये मरने वाला है ऐसा समझ लेना है। तो पूर्वदर्शन थी वैद्य पूर्वदर्शन बलाल बुसादीनि स्पृशंतातुरस्य मुमूर्षुताम व्याहरन्ति इति योजना। तो वैद्य का पहला दर्शन या दूत का पहला दर्शन जब वैद्य को हो जाता है और इस प्रकार का वो स्पर्श करते आ रहा है तो ये समझ लेना है कि ये मरने वाला है। यस्मिंश्च सुदूते ब्रवति वाक्यम आतुर संशय पश्येद निमित्तम अशुभम संचेत नानुव्रजेत विषय। कि जब दूत आतुर के बारे में कुछ बातें कर रहा है और उसमें अगर अशुभ लक्षण दिखाई देता है ये सुनते तो उसको छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं जाना है। तथा व्यसनिनम प्रेतम प्रेतालंकारमेव वा भिन्नम दग्धम विनष्टम वा तद्वादीनि वचांसि वा
रसो वा कटुकस्य तीव्रो गंधो वा कौणोपो महास्पर्शो वा पिपलक क्रूरः यद्वा अन्यत् अशुभम भवेत्। उसी प्रकार से व्यसनी संकट में जो है प्रेत प्रेतालंकार में वा बिन्न दग्धम विदष्टम वा निनष्टम वा तद्वादीनि वचांसि वा भिन्न दग्ध विदग्ध नष्ट इस प्रकार की स्थिति हो या फिर उस प्रकार के वचन जो बोल रहा है। रसो वा कटुकस तीव्रो तीव्र कटुक रस गंधो वा कौणों को महान या कौणों पर गंध महान इस प्रकार का स्पर्शो विपुल क्रूर विपुल क्रूर इस प्रकार का यद्वा अन्य अशुभम भवे और कोई अशुभ इस प्रकार का होता है तो दिया थोड़े से प्रेतालंकार में वह इच्छा इत्यंतम यम पश्यतम नानुग्रजति संबंधः। लेकिन प्रेत का क्या मतलब रहेगा? दूत आते वक्त मर गया उसका प्रेत ही हो गया या प्रेत अलंकार धारण करके आ रहा है ये एक बात हो सकती है। भिन्न दग्ध विनष्ट इस प्रकार से है या फिर इस प्रकार के वाणी बोलने वाला तो ये से भी अशुभ इस प्रकार का है। तत्पूर्वम अभी तो वाक्यम वाक्य काले अथवा पुनः दूतानाम व्यापकम श्रोता धीरो मरणम आदिश पूर्वम वाक्य का काल होने से पूर्व ही अगर वाक्य बताया जाता है या वाक्य काल में भी बताया जाता है चित्वा धीरणो मरणम आचरण दूतवचनात् पूर्वम अभी था वाक्य मध्ये सर्वभूत काल वचनम पता नहीं लग रहा है ये दूताधिकारो एम उक्त कृष्णो मुहूर्षताम। तो हिंदी भाषांतर मराठी भाषांतर में एक बार देखे कुछ अलग किया या दूसरी कोई टीका है तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करें। पूर्वम अभी तो वाक्यम ये भी समझ में नहीं आ रहा। दूता नाम ये षष्ठी भी अजीब है। दूते ही व्यर्थम दृष्ट्वा ये बात ठीक हो सकती है धीरो मरणमासी नहीं तो दूता नाम वाक्यम वाक्यम व्यर्थम श्रुत्वा के द्वारा उच्चारित किया गया वाक्य श्रुत्वा धीरो मरणम आदेश ये थोड़ा अजीब है। सर्वभूत काल वचनम
तो भूतकाल वचन या ऐसा ऐसा हो गया वगैरह इस प्रकार का अभी तो वाक्यम का अर्थ सर्वभूतकाल वचन यह चीज है। पथ्यातुर कुलानांश वक्षाम्य औत्पातिकम पुनः अवक्षुतम अथोत्कृष्टम स्खलनम पतनम तथा आक्रोशा संप्रहारो वा प्रतिषेधो विग्रहणम वस्त्रोष्णीषोत्तरा संग छत्रोपादन छत्रोपानत युगाश्रयम व्यसनम दर्शनम चापि मृतुक व्यसनिनाम तथा। तो पथी और आतुरकुलांश पथ्यातुरकुल ये मार्ग में या आतुर के घर में जो औत्पाथिक है वो अभी बताते हैं। अवक्षुतम अथ उत्कृष्टम स्खलनम पतनम तथा तो अवक्षुतम शिक्षा उत्कृष्ट का मतलब और कुछ दिया है संत्रस्त रुतम तो पीड़ाजनक इस प्रकार का रोना छींकाना कलना पतना ये देखना आक्रोश संप्रहारो व प्रतिषेधो विग्रहणम आने के लिए मना कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं इस प्रकार से। वस्त्रोष्णीषोत्तर संग तो वस्त्र की उष्णीष और उत्तरा उत्तर वस्त्र इनका संग लेकिन अटक जाते हैं उस प्रकार से। छत्र उपानत युगाश्रय तो छत्र या पाद पादत्राण में ही अटक जाना इस प्रकार से नहीं तो छत्र उपानत युगाश्रय व्यसनम दर्शनम चापि मृतक व्यसने नाम तथा। और फिर मृतक व्यसनी इनका दर्शन होना चैत्य ध्वज पताका नाम पूर्णा नाम पतनानि च चैत्य ध्वज पताका ये पूर्ण इस प्रकार के उनका पतन हो जाना। हतानिष्ट प्रवादाश्च दूषणम भस्मपांशुभिः हतानिष्ट और प्रवाद दूषण भस्मपांशुभिः तो भस्म पांशु से भस्म ये पीछे बारे में बताया तुमने तत्पूर्व तो वाक्यम वाक्य काले थवा पुनः भूतानां व्याहृतम श्रुत्वा तिरो मरणम आदिशे तो बोलने से बोलना सुनने से पहले बोलते वक्त और जो सुनते वक्त और उसके तुरंत बाद भूतानां ठीक है कहाँ से लिया मराठी भाषा दूध आंडा का खाना तो चैत्य ध्वज पताका नाम पूर्णा नाम ध्वज पताका चैत्य तो अजीब है उनका तो पूर्ण कैसे होते हैं और उनका पतन क्या होता है
पूर्ण कुंभादय। तो ये अलग करेंगे, पुराना नाम अलग करेंगे और उसका विशेष्य पूर्ण कुंभादय। अजीब। दूषणम भस्म पांशुभि, भस्म और पांशु धूलि से दूषण। पतच्छेदो बिड़ालेन, अगर मार्जार रास्ते के बीच में रास्ता तोड़ के चला जाता है एक दिशा से दूसरी दिशा में। सुना सर्पेण वापना, या कुत्ता या फिर सर्प इस प्रकार से बाधा डालते हैं। प्रेता प्रमाणे कफन वस्त्र धारण के लिए रहती है। प्रेतम प्रेतालंकार में, प्रेतालंकार तो ठीक है, प्रेत का मतलब प्रेत जैसे वस्त्र धारण किया है, ठीक है ले लेते हैं, लेकिन प्रेतम प्रमाणे निस्तेज कांति। लेकिन सदृश नाम का कोई वह शब्द नहीं है वहां, प्रेत इसी प्रकार का कहा गया, ये थोड़ा अजीब है। पदच्छेदो विड़ाल बिड़ा लेना, ये तो माना जाता है कि इस प्रकार मार्जार या कुत्ता या सर्प हमारे सामने रास्ता क्रॉस करके जाते हैं, तो ऐसे माना जाता है। ये विजय काले, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ओके, एक पिक्चर था उत्पल दत्त का, अमोल पालेकर। उसमें ये सभी रूढ़ियों पे उसका बहुत विश्वास है इस प्रकार से, और इस प्रकार से मार्जार अगर जाता है तो 3 कदम पीछे हटना और फिर आगे जाना है, ऐसे कहा जाता है। नाम नहीं याद रहा, डबल रोल है अमोल पालेकर। तो ये उसमें दिखाया गया था, ये काफी लोग मानते हैं कि अगर इस प्रकार का मार्जार वगैरह रास्ता क्रॉस करके जाता है आपके सामने तो 3 कदम पीछे हटना है फिर आगे जाना है, ऐसा बताते हैं। मृगद्विजानां क्रूराणां गिरो दीप्ताम दिशं, दिशां प्रति, दिशं प्रति। गोलमाल मेरा ये तो मुझे वो प्रसंग याद आया, उत्पल दत्त ऐसे पीछे हट जाता है इस प्रकार से। मृगद बीज क्रूर, इनकी वाणी गिरहा यानी वाणी, दीप्तां दिशं प्रति, शयनासन यानानां उत्तानानां च दर्शनम्। दीप्तां दिशं प्रति का क्या मत है, दीप्ता दिक यस्याम सूर्यो वर्तते किंवा दक्षिणा दिक दीप्ता उच्यते। मृगद्विजाः क्रूराः, अरे बाप रे, तो मृगद्विट श्रृगाल गुरुग्रहादयः। तो द्विजक का संबंध ब्राह्मण से नहीं है, ये भी अजीब है।
हाँ, क्रूराणाम गिरहा दीप्ताम दिशम प्रति, तो दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में या जिस दिशा में सूरज हो, उस प्रकार तो पूर्व या पश्चिम इस प्रकार का होगा। तो उस दिशा में शयन आसन यानानाम उत्तानानां च दर्शनम्, शयन आसन यान ये सभी उत्तान स्थिति में इस दिशा में दिखते हैं, दक्षिण दिशा में खास करके। इत्येताने अपृष्ठस्थाने सर्वाणि आहुर्ममीषिणः, ये सभी अप्रशस्त है। एतानि पथि वैद्येन पश्यत आतुर वेश्मनि अश्रुणत्वा च न गंतव्यम तदाघारम विपश्चित, तो विपश्चित वैद्य को उस घर में जाना ही नहीं है इस प्रकार से, तो जानकार वैद्य है उसको, या आतुर वेश्मनि या रास्ते में इस प्रकार के दिखते हैं या सुनाई देता है तो जाना ही नहीं है। इत्योत्पातिकम आख्यातम पथि वैद्य विगर्हितम, तो इस प्रकार से वैद्यों के लिए निंदित या वैद्यों के द्वारा निंदित, ये औपपातिक इस प्रकार के समझ लेने चाहिए। बुद्धिहत गृहावस्था मुमूर्षुताम प्रवेशे पूर्ण कुंभाग्नि बृद बृद्धि च फल सर्पिषाम वृष ब्राह्मण रत्नान न देवतानां च निर्गतिम। तो ये सब बाहर जा रहे हैं, अभी अगर पूर्ण कुंभ अग्नि मृद बीज फल सर्पी वृष ब्राह्मण रत्न अन्न देवता, ये सब जो उसके प्रवेश करते समय ये बाहर जा रहे हैं तो ये अशुभ मानना है इस प्रकार। अग्निपूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च विषं मुमूर्षुतां वेश्म प्रविशन् नैव पश्यति। अग्निपूर्ण इस प्रकार के पात्र भिन्न विशिख ज्वाला कहीं और जा रही है इस प्रकार से, विशिखाने इति खंडितानि अथवा वशिकास्ति वा वशिकाने इति पाठः तदा शून्यानि इत्यर्थः। छिन्न भिन्नानि दग्धानि भग्नानि मृतानि च दुर्बलानि च सेवन्ति मुमूर्षोः वैश्विका जनाः। तो छिन्न भिन्न दग्ध भग्न मृदित दुर्बल इस प्रकार के पात्रों का वैश्विक जनों जो है उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका प्रयोग करते हैं। शयनम वसनम यानम गमनम भोजनम भृतम श्रूयते अमंगलम यस्य नास्ति तस्य चिकित्सा। तो इन सभी के बारे में अमंगल बात अगर होती है, शयन वसन यान गमन भोजन रोना, तस्य नास्ति चिकित्सितम्, उसकी चिकित्सा कोई भी नहीं है। प्रेतवद्यस्य कुर्वन्ति सुहृदः प्रेत एव सः, जिसके बारे में मित्र प्रेतवत व्यवहार करते हैं वो प्रेत ही समझ लेना चाहिए। अन्नम जापद्यतेर्थम ज्योतिषैवोपशाम्यति विद्विवाते सेन्दनम यस्य तस्य नास्ति चिकित्सितम्। जहाँ अन्न व्यापक हो जाता है और ज्योति वो भी शांत हो जाती है, निवाते सैंधवम सिंधनम की वायु भी नहीं है वहां पे और ईंधन भी पर्याप्त है तो भी ज्योति अगर शांत हो जाती है तो नतस्य नास्ति चिकित्सितम्। आतुरस्य गृहे यस्य विद्यन्ते वा पतन्ति वा अतिमात्रम् अमुत्तराणि दुर्लभं तस्य जीवितम्। तो उसके घर में भिन्न होते हैं गिरते हैं अति मात्रम अमत्राणि, अमत्र शब्द तभी पात्र ऐसा ही होता है शरावस्था दुर्लभन तत्व, तो उसका जीवित दुर्लभ है तो समझ लेना चाहिए। खुश भवंति छात्र यद्वादशभिराध्यायैः व्यासतः परिकीर्त्यत मुमूर्षुतां मनुष्याणां रक्षणं जीवितान्तकृत् तत्समासेन वक्षामा पर्यायांतरम आश्रितम् तत्र
पर्याय वचनम ये अर्थ विज्ञाया विज्ञानाय उपपद्यते अत्यर्थम पुनरात्पुनर एवं विवक्षा यो न विधीयते तस्मिन् नैवाधिकरणे तत्पूर्वम अभिशब्दितम्। तीन 12 अध्यायों में विस्तार से जो बताया गया मूल श्रुता मनुष्याणाम लक्षणम जीवितांत जो जो जीवित का अंत करने वाला इस प्रकार का मूर्छु रोगियों का लक्षण बताया गया। तो समास है ना वक्षा वहां जो संक्षेप में बताते हैं पर्यायांतरम आश्रितम। पर्यायांतरम आश्रितम इति संज्ञांतरण कीर्तित दूसरे नाम से जो बताया गया है इस प्रकार से पर्याय वचन भी अर्थ विज्ञानाय उपपद्यते। पर्याय वचन जो है वो अर्थ विज्ञान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अत्यर्थम पुनरेवेयम विवक्षा नो विधीयते है। अर्थ विज्ञानाय इति पूर्वाभिधाने शब्दस्य अनेकार्थाभिधायित्वादेन यत्र संदेहो मिथ्या ज्ञानं वा भवति तस्य शब्दांतरेण अभिधानात् व्यक्तोऽर्थो भवति इति दर्शयति। तो पर्याय कहने से उसके बारे में अगर कोई संदेह हो गया हो तो वो दूर हो जाता है कि इन पर्यायों का जो अर्थ है वैसे सर्व एवेते विनया समवर्तिनः मरने वाला है ये कहने के बजाय यम का अधीन हो जाता है इस प्रकार के बता देना वगैरह वगैरह जो भी बातें इस प्रकार से बताई गई है दूसरे किसी तरीके से तो ये अर्थ विज्ञान के लिए उपयोग में आता है। अत्यर्थम पुनरेवेयम विवक्षा नो विधीयते तस्मिन् नैवाधिकरणे यत् पूर्वम अभिशब्दितम्। या बहे एरचा जगात घडणाऱ्या घटना आणि आतुराशित या दोहोंमध्ये काय कनेक्शन असावे आणि हे लॉजिक शोधणारे म्हणजे अलौकिकच आहेत। संपूर्ण विश्व एक शरीर प्रमाणेच आहे आणि एक मुमूर्षु म्हणजे त्या शरीरातील एक परमाणु त्या परमाणूचा नाश होताना त्याचा आजूबाजूला काही ना काही बदल घडतात असा घडत असावे। निष्ठाधिकार में इस प्रकार से जो बता है बताते हैं ये ज्ञान के लिए है कि रिष्ट लक्षण है और मृत्यु होने वाली है लेकिन केवल उस व्यक्ति के बारे में न बताते हुए उसके आसपास जो भी हो रहा है या दूत के बारे में जो भी हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी है। अब एक अहम सवाल होता है इसके जरिए कि इन्होंने ये सब देख के बताया है या ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हुआ है और फिर उन्होंने सिर्फ ये बताया है। परंपरा को देखेंगे तो ये बात स्पष्ट है कि ब्रह्मा से लेकर ये ज्ञान चला चला आ रहा है इस प्रकार से।
और व्यवहार्य इस प्रकार का है, लेकिन इन्होंने परीक्षण करके या प्रयोग करके इसको सिद्ध किया है ऐसी बात नहीं है। तो जब भी ये बहस होती है, एतदागम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत्सम प्रयोक्तव्यम् मीमांसायां कथंच, ये बात कही जाती है। तो ये आगम सिद्ध है, ये बात दोहराते हैं, बताते हैं इस प्रकार। आजकल जो प्रचलन में आता है वो संशोधन के बाद प्रचलन में आता है, ऐसा कहा जाता है। बार बार प्रयोग होते रहते हैं और फिर उन प्रयोगों के निष्कर्ष जो है वो स्थापित किए जाते हैं। यहाँ उल्टा क्रम है कि उन्होंने आप्तवचन से ये बता दिया, अब आपको उसको सिर्फ देखना है कि ये वास्तव में इस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का। तो शब्द प्रमाण का महत्व इसमें अधोरेखित इस प्रकार का हो जाता है। आज के जमाने में ये जो बाकी चीजें आसपास में है उनमें काफी बदलाव है। जैसे कि मैंने कहा कि गर्दभ या उष्ट्र वाहन से आ रहा है, ये तो अभी नहीं दिखाई देगा। स्कूटर से आ रहा है, ऑटो रिक्शा से आ रहा है, कार से आ रहा है, ये बात हो सकती है इस प्रकार। तो फिर रिश्ते लक्षणात्मक होगा नहीं होगा, ये बात अलग रहेगी। आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा रोगी की, ये बात हो सकती है एक प्रकार। और हमारा सौभाग्य है कि आप तो वचन से हमें यह सब प्राप्त हो रहा है, नहीं तो इस प्रकार के प्रयोगों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता रहेगा उसके बारे में संदिग्धता रहेगी। और मानव निर्मित होने के कारण ये होगा ही नहीं होगा ही, ये बात आगे आएगी। तो हमारे हिसाब में शब्द प्रमाण को सबसे ज्यादा महत्व है और उसी को आगे लेकर चलना है। पर वे वचन सजीव के अभी के वहन निर्जीव वाहन, हाँ, क्या सेम सोच सही रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि निर्जीव या सजीव होने से कुछ फर्क होगा इसका, क्योंकि उस जमाने में तो वही थे, तो सजीव ही थे वाहन। अब जैसा मैकेनिकल वाहन होते हैं उस प्रकार की स्थिति उस समय में नहीं थी। तो वाहन जिससे दूत आ रहा है ये महत्वपूर्ण इस प्रकार है, जिससे हमें जाना है रोगी के घर, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर उनके उष्ट्र या रासप के बारे में कुछ लक्षण अलग दिखाई दिए होते तो अलग बात, लेकिन बात की गई है कि उससे दूत आ रहा है या हम उस वाहन में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चला के बढ़ेंगे, लेकिन ये काफी टेढ़ा मामला हो रहा है, समझने में दिक्कतें आ रही है, ये भी थोड़ा अजीब है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वांछं पुनरपि भुवने तां चतुष्टुप् प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।